जहरीली शराब उत्तर प्रदेश में फिर से कहर ढा रही है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई भी सबक नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार जहरीली शराब ने लोगों की जानें ले ली हैं और प्रशासन मौन बना देख रहा है। बाराबंकी के रामनगर थाने क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 10 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर थी और बाद में उन सभी कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर हैं जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये 10 से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले की ही घटना है जब इसी तरह के समाचार सामने आए थे और तब प्रशासन ने कहा था कि कड़ाई से रवैया अपनाया जाएगा, सख्ती से इस मामले पर निपटा जाएगा, लेकिन किस तरह से सख्ती से निपटा गया है ये देखने को फिर से आज अचानक मिला है। सरकार ने कोई भी एहतियातन कदम नहीं उठाए हैं। जहरीली शराब कभी भी किसी की जान लगातार ले सकती है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर हालांकि संवेदना व्यक्त की है और आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। घटना रामनगर के रानीगंज की है, जहां सोमवार शाम को सरकारी ठेके से खरीदकर पीड़ितों ने शराब पी ली, लेकिन देर रात उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरी इलाज भी उन्हें नहीं बचा सका क्योंकि ये जहरीली शराब का मामला था। जहरीली शराब से बचा पाना डॉक्टरों के लिए नामुमकिन था।